हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं एक होममेड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूं जो कि बहुत ही इजीली घर में बनाया जा सकता है। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप बनाते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर बने रहते हैं, मरते हुए पौधों को भी जिंदा कर देते हैं। इतना शक्तिशाली है वो फर्टिलाइज़र जो कि चावल और गुड़ से बनता है। इस तरह से अगर आप वेस्ट मटेरियल से अपने गार्डन के लिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके सभी प्लांट स्वस्थ व सुंदर बने रहेंगे, जिस तरह से हमारे बने होते हैं। चावल आप सभी जानते होंगे जो हम खाने में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चावल का आज हम यूज़ करने वाले हैं। साथ ही लेंगे हम गुड़। चावल और गुड़ से ये फर्टिलाइज़र बनाना है, किस तरह से बनाना है यही हमारी आज की इस वीडियो में है। कितने दिन में बन जाएगी, किस तरह से अपने प्लांट पे अप्लाई करना है, ये सब हमारी इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए उन सामानों को देख लेते हैं जिनसे कि हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है। ये एक बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र है जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बनाने के लिए मुझे एक बॉटल लेनी होगी, बॉटल ढक्कनदार होनी चाहिए जिससे कि उसमें आसानी से गैस बन सके। इसको तैयार होने में कम से कम 2 या 3 ढाई महीने लगते हैं, इसलिए इसे धैर्य रखने की बहुत ही ज़रूरत है। कब हम समझें कि हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है, क्योंकि जब हम इस बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो उस बॉटल में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं गैस बनने के लिए, और समय समय से यानी हम 4-5 दिन पे एक बार ढक्कन खोल करके गैस को निकालते हैं। इस तरह से आप गैस निकालते रहिए और गैस रिलीज़ करते रहेंगे तो अच्छी तरह से मटेरियल फर्टिलाइज़ होगा, और जब फर्टिलाइज़ होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि अब इसमें गैस बनना कम हो गई है तब आप समझ जाइए कि हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए पहले हम उन सामान को देख लेते हैं जिनसे हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है। ये हैं हमारे यहाँ के वो बचे हुए चावल जो मैंने सुबह बनाए हुए थे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं इन्हीं चावल को ले रही हूँ। चावल बासी नहीं होना चाहिए, अगर बासी होता है तो उसमें हल्की सी कुछ महक आने लगती है, तो इसलिए से आप चावल साफ़ और शुद्ध लें ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल ना हो। साथ में मैंने गुड़ लिया हुआ है, ये गुड़ का एक ढेला है, इसे तो मैं बॉटल में नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए से मैंने इस गुड़ को इस कटोरी में घोल लिया है पानी के साथ, क्योंकि इस तरह से घोलने पर हम इसको अच्छी तरह से बॉटल में डाल सकते हैं। साथ ही मैंने पानी लिया हुआ है, पानी लेने के बाद में मैंने ये बॉटल ली हुई है, ये 1 लीटर की बॉटल है। अगर आप 2 लीटर की बॉटल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका आप कैप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, इसमें किसी भी तरह की हवा पास नहीं हो सकती है जिससे कि इसमें गैस बनने में आसानी होगी। पहले हम इस चावल को लेंगे और इस चावल में हम मिलाएँगे ये जो मैंने गुड़ घोला हुआ है, इसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इस तरह से मैंने बॉटल को फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं चावल नीचे की तरफ बैठा हुआ है, और मैंने जो गुड़ घोला हुआ था पानी में उस गुड़ को भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा स्पेस मैंने इसमें खाली छोड़ा हुआ है, खाली इसलिए छोड़ा है कि इसमें गैस बनना शुरू होगी, और ये एक बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र है, और जब इसमें गैस बनेगी तो आप 4-5 दिन के बाद में इसको धीरे से गैस रिलीज़ कर सकते हैं। अगर गैस को रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो ये बॉटल फट भी सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, तो इसलिए से इतना गैप छोड़ना ज़रूरी है और समय समय से इसकी जो बनती हुई गैस है उसको रिलीज़ करते रहें। कुछ नहीं तो 4-5 दिन में एक बार ढक्कन धीरे से खोल करके और गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। जब आप इसमें गैस को रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर और भी चेंज हो जाएगा, और जो भी इसमें मैंने चावल डाले हुए हैं ये अच्छी तरह से इसमें घुलते रहेंगे यानी फर्टिलाइज़ होते रहेंगे, और जिससे कि अभी तो ये दाने दाने दिख रहे हैं, जब ये अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ हो जाएगा तो ये कुछ बारीक सा गाढ़ा सा पदार्थ बन जाएगा और ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगा।
इस लिक्विड बने हुए लिक्विड को किस तरह से देना है ये मैं बता दूं। इसका जो भी लिक्विड है वो 10 ml 1 लीटर पानी में मिला करके तभी आप अपने पौधों को दें। अगर आप चाहते हैं इसको मिट्टी में डालना तो आप सीधे ही 1 लीटर पानी लें और उसमें इसका जो भी लिक्विड है वो 10 ml निकाल करके उस पानी में डाइल्यूट करके तब आप इसकी इसको पौधों में डाल सकते हैं, पौधों की जड़ों में। अगर आप चाहते हैं इसको पूरे प्लांट पर स्प्रे करना तो आप इसका थोड़ा सा लिक्विड 1 लीटर बॉटल में निकाल करके और फिर आप सारे पौधे पर स्प्रे करेंगे, उससे भी प्लांट आपके काफ़ी घने व सुंदर स्वस्थ बनेंगे। अब इसको बनने के लिए ये तैयार है और इसको बनने में लगभग 2-2.5 महीना लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगेंगे बनने के लिए। अब हम इसको एकदम शेड वाली जगह में रखेंगे, इसको धूप नहीं लगनी चाहिए, छायादार जगह में रखें। जब भी आप बायो एंजाइम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको आप जहां भी रखें पूरी दिन की और पूरे रात की छाया मिलनी चाहिए, कहीं भी ये बाहर ना रखें, तभी ये अच्छी तरह से फर्टिलाइज होगा और ये अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। इस तरह के फर्टिलाइज़र को आप पूरे प्लांट पे अगर स्प्रे करते हैं तो किसी भी तरह के कीट पतंगे नहीं लगेंगे, मिली बग नहीं लगेंगे, किसी भी तरह के माहों वगैरह एफिड्स कुछ भी नहीं लगेंगे। और अगर लगते हैं तो आप इसका स्प्रे बार बार करिए तो प्लांट आपका निरोगी रहेगा और जिससे कि उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे आप अपने घर में बनाएंगे और अपने सभी प्लांट्स को देंगे। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।